हेलो स्टूडेंट, ग्रेविटेशन पार्ट टू। ग्रेविटेशन फोर्स वी नो एफ इज इक्वल टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर। से फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज हैविंग मास कैपिटल एम एंड अनदर ऑब्जेक्ट इज हैविंग मास स्मॉल एम। द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट इज कैपिटल आर। एंड यू रिमेंबर द वी हैव टू टेक द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट। सो देन जी एम एम बाई आर स्क्वायर। नाउ व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस ग्रेविटेशन फोर्स? वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल फोर्स इज देयर। व्हाट इज द नेचर? नेचर इज अट्रैक्टिव। इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। नंबर टू, दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज अप्लाइंग ए फोर्स ऑन दिस। से दिस डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड दिस ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो अप्लाइंग ए फोर्स ऑन दिस। सो दैट इज योर F and but both are equal and opposite. So it is the action reaction pair. The force is action reaction pair. Action reaction. Okay, this is the main point of the gravitation force, and all the things are very clear. Okay, another point is to be discussed is that an apple falls onto the ground, means earth. Now the question is that why apple falls onto the ground? Why not ground means earth? Why not earth is attracted towards the apple? That is a very interesting question. यहाँ apple है, यहाँ earth है। ये earth apple की ओर attract क्यों नहीं किया? So actually the reason is that acceleration. Acceleration plays a very important role here. Acceleration produced by the earth onto the apple is quite more than the acceleration produced by the earth apple onto the earth. So how we are going to find out that acceleration? We know the basic formula. G is equal to small g is equal to, now this we are going to find the acceleration provided by the earth. So that is the g mass of the earth by r square. So we can put the value and we will get the value of g is 6.67 into 10 to the power minus 11 into mass of the earth is 6 into 10 to the power 24 kg by the distance is say the 1 meter or 2 meter, say the 2 meter, the 2 square, if it is 2 meter, then ultimately you will find its value is something, some observable value or some larger value. So itna isko calculate karenge, this into this by 4 into 10 to the power, yahan par dekhi 10 to the power 24, 10 टू माइनस 11 तो कितना हो जाएगा, 10 टू पावर 13 हो गया। इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज अ क्वाइट लार्ज वैल्यू। नाउ द सेम थिंग इफ यू आर गोइंग टू फाइंड द एक्सेलरेशन, हाउ मच एक्सेलरेशन इज प्रोवाइडेड बाय द एप्पल ऑन टू द अर्थ, तो एप्पल किस एक्सेलरेशन से अपनी ओर अर्थ को खींच रहा है? तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस प्रोवाइडेड बाय द एप्पल इज जी mass of the apple by r square. अब apple का mass हम लोग कितना लेंगे, वो कितना होगा maximum, मान लेते हैं 200 ग्राम मास हम लोग लिए हैं, किसका, apple का 200 ग्राम। तो यहाँ पर हो जाएगा g का वैल्यू 6.67 into 10 to power minus 11 into mass of the apple means 0.2 kg हो गया by r square, r वही सेम, that is 4 2 square। इसको कैलकुलेट करेंगे अल्टीमेटली तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, 6.67 by ये 10 इधर आ गया 40 और 2 से कट गया 20 हो गया into 10 to power minus 11, that's इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए ये इस ऑर्डर का 10 टू माइनस 11 और ये 10 टू 13, तो दिस एक्सप्रेशन इज क्वाइट लेस देन दिस।
इसीलिए अर्थ एप्पल को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। इसीलिए क्या क्या यहां पर आया, इतना आया, दैट इज द रीजन। अब इसमें कौन सा ज्यादा है, अर्थ एप्पल को अट्रैक्ट करता है इतना एक्सप्रेशन से, और एप्पल अर्थ को अट्रैक्ट करता है बहुत कम, -11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सप्रेशन से। सो दैट इज द रीजन व्हाई एप्पल इज फॉलिंग ऑन टू द अर्थ, रादर अर्थ इज नॉट मूविंग टुवर्ड्स द एप्पल। मास एंड वेट, व्हाट इज मास? मास इज द मैटर, मेजर ऑफ द मैटर कंटेंड इन द ऑब्जेक्ट। मैटर कंटेंड इन द ऑब्जेक्ट एंड वी कैन फाइंड द मास विद द हेल्प ऑफ फिजिकल बैलेंस और बीम बैलेंस एंड इट्स अ यूनिट इज केजी, बिगर यूनिट और ऐसा यूनिट इज केजी। एक मैटर में एक ऑब्जेक्ट में कितना मैटर है उसका मेजरमेंट है मास। एंड व्हाट इज वेट? वेट इज द फोर्स बाय विच अर्थ इज अट्रैक्टिंग एनी ऑब्जेक्ट towards itself. Itself or herself. जिस फोर्स से, जैसे यहां ये अर्थ है, जैसे जिस फोर्स से कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की ओर गिरता है, जैसे इसको हम छोड़ेंगे, ये ड्यूज वॉल को छोड़ रहे हैं, तो ये हम क्या देख रहे हैं, बिना फोर्स के तो ये नीचे नहीं जाएगा, तो ये छोड़ेंगे तो ये नीचे गया। इसका मतलब क्या है, इसको अर्थ खींच रहा है, अर्थ इज पुलिंग, जिस फोर्स से खींच रहा है दैट इज अ वेट, एंड दैट वेट इज इन फैक्ट द फोर्स। वेट क्या हुआ? फोर्स। और फोर्स क्या होता है? इसका मास इनटू एक्सेलरेशन, जिस एक्सेलरेशन से अर्थ इसको खींच रहा है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज योर वेट। एंड इसका यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन, क्योंकि ये फोर्स है। न्यूटन बोलो या फिर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेट हम कैसे निकालते हैं? वेइंग मशीन से। कैसे निकालते हैं? वेइंग मशीन होती है, उससे हम लोग उसका वेट निकालते हैं, वेइंग मशीन से। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द मून। हम लोग अभी जानते हैं क्या, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका मास हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है, चाहे हम अर्थ पर लेके जाएं या मून पर लेके जाएं, मास नेवर चेंजेस, बट वेट विच इज द फोर्स विच इज गोइंग टू चेंज, वेट इज द फोर्स दैट इज इक्वल टू एम इन टू जी। नाउ आवर पर्पस इज टू फाइंड द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द मून। वी नो द डेटा, अकॉर्डिंग टू द डेटा, अप्रोक्सीमेटली मास ऑफ द अर्थ इज 100 टाइम्स द मास ऑफ द मून, एंड रेडियस ऑफ द अर्थ इज 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ द मून। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, वेट कैसे निकालेंगे? पहले हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालेंगे। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, दैट इज जी इज इक्वल टू कैपिटल जी मास ऑफ द अर्थ बाय आर स्क्वायर, रेडियस ऑफ द अर्थ स्क्वायर, दैट इज द इक्वेशन नंबर वन। एंड सेकेंड पार्ट हम लोग इसका मून के लिए लेते हैं, यहाँ पर ये हम क्या चीज किसके लिए लिए थे? अर्थ के लिए लिए थे। अब मून के लिए हम लोग ले रहे हैं जी एम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ मून इज इक्वल टू कैपिटल जी मास ऑफ द मून जी एम एम सफिक्स बाई रेडियस ऑफ द मून स्क्वायर। ये दो इक्वेशन नंबर टू आया। अब हम लोग को तो कंपेरिजन करना है, अर्थ से हम कंपेयर करना चाहते हैं कितना है। तो जी ई दिस बाई दिस माने 1/2 कर देंगे, तो जी ई बाई जी एम कितना हो जाएगा? दिस बाई दिस, तो कैपिटल जी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? एम ई, इधर क्या बचा? एम एम कितना बचा? इन टू, अब दिस बाई दिस था तो आर एम ऊपर आ गया, आर एम स्क्वायर
बाई आर ई, तो पूरा काम स्क्वायर कर दिया। अब यहां पर ये कंपैरिजन हम लोग यहीं से कंपैरिजन निकालेंगे, एम एम बाई एम एम, एम ई बाई एम एम मतलब क्या है, अर्थ एम एम ई बाई एम एम, इसको अगर नीचे ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा 100, एम ई बाई एम एम इज इक्वल टू 100 इंटू आर एम बाई आर ई, आर एम बाई आर ई कितना हो जाएगा 1/4 का स्क्वायर, दैट इज योर 100/16, तो अप्रॉक्सीमेटली इट इज 1/6 टाइम, 6/1, ये 6/1 मतलब क्या हुआ, 6/1 इसका मतलब ये हुआ, 6/1 का मतलब तो ये क्या निकला, जी ई बाई जी एम, तो जी एम बाई जी ई कितना हो जाएगा 1/6, मतलब क्या है कि अर्थ का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उससे 1/6 टाइम हो जा रहा है मून पर, ये हुआ रिलेशन ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, एम बाई जी कितना आया 1/6। अब इसको अगर हम लोग ऐसा लिखें जी एम इज इक्वल टू 1/6 ऑफ जी ई, हमको अगर वेट पूछा है, कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास स्मॉल एम है, तो हम दोनों तरफ एम से मल्टीप्लाई कर देंगे, वेट निकल जाएगा एम, ये जी एम में कंफ्यूज नहीं, ये क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून 1/6 एम जी ई, ये क्या हुआ वेट ऑन द मून एंड दैट इज द वेट ऑन द अर्थ, वेट ऑन द मून दैट इज इक्वल टू 1/6 टाइम वेट ऑफ द अर्थ, वेट ऑन द मून किसी भी ऑब्जेक्ट का, अगर मान लीजिए अर्थ पर किसी ऑब्जेक्ट का वेट है, किसी ऑब्जेक्ट का वेट है मान लेते हैं 60 न्यूटन, कहां पर, अर्थ पर, तो मून पर वेट कितना हो जाएगा 1/6 ऑफ 60 दैट इज 6 न्यूटन, कहां पर, मून पर उसका वेट, तो अर्थ पर अगर 60 न्यूटन है तो मून पर कितना हो जाएगा 60/6 मीन 60/6 मतलब कितना हो गया 60/6 ये हो जाएगा 10 न्यूटन। अनदर टॉपिक फ्री फॉल, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एनी ऑब्जेक्ट विच फॉल्स अंडर ओनली फोर्स ऑफ ग्रेविटी, केवल फोर्स ऑफ ग्रेविटी से ही कोई ऑब्जेक्ट अगर गिर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट है यहां पर दैट इज फॉलिंग अंडर फोर्स ऑफ ग्रेविटी ओनली, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ द अर्थ और द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अर्थ ऑन टू द ऑब्जेक्ट, दूसरा कोई नो अदर रिटार्डिंग फोर्स शुड बी देयर, कोई दूसरा फोर्स नहीं होना चाहिए, देयर शुड नॉट बी एनी रिटार्डिंग फोर्स, देन द ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रीली, जैसे ये ऑब्जेक्ट ऐसे गिर रहा है मीन्स क्या, यहां पर कोई रिटार्डिंग फोर्स एयर रेजिस्टेंस है या बायंसी है, कोई दूसरा फोर्स इस पर नहीं लगे, अगर ऐसा सिचुएशन होता है देन वी आर गोइंग टू से द ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रीली, ओके। नाउ जस्ट टू सी द एक्टिविटी ऑफ द फ्री फॉल, इफ आई हैव वन पेपर एंड आई एम रिलीजिंग इट, जस्ट टू सी द हाउ इट मूव्स, इट इज मूविंग इन दिस वे, मूविंग इन दिस वे मीन्स हियर रिटार्डेशन इज देयर, हियर अदर फोर्सेज आर ऑल्सो देयर, यहां पर जैसे एयर रेजिस्टेंस है इसको रोकने की कोशिश कर रहा है, तो दैट इज द वे हाउ इट इज मूविंग इन दिस वे, बट इफ वी आर गोइंग टू शो द वेटलेस सॉरी फ्री फॉल, से फॉर एग्जाम्पल अगर मान लेते हैं इसके नीचे का जो एयर है उसको हम हटा दें या मिनिमाइज कर दें, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम गोइंग टू टेक अ बुक, ऐसे करके किसको मिनिमाइज कर दिया, किसको हम मिनिमाइज किए, हम एयर इसके नीचे का जो एयर है उसको मिनिमाइज कर दिया, अब एयर नहीं रहेगा तो एयर रेजिस्टेंस नहीं रहेगा, तब क्या होता है, तब हम इसको ऐसे करके गिराते हैं,
देखिए पेपर का फॉल। तो अभी हम लोग फ्री फॉल में क्या देखें कि वो ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रीली विदाउट एनी रिटार्डिंग फोर्स। ओके देन कम्स टू द इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट, इक्वेशंस ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट मतलब क्या है। जैसे एक ऑब्जेक्ट है वो ऐसे करके अर्थ की ओर आ रहा है, अर्थ की ओर आ रहा है, अर्थ इज ऑब्जेक्ट। तो यहां पर ऑब्जेक्ट जो गिर रहा है उसका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमको मालूम है जी एम, ये मास ऑफ द अर्थ होगा बाय आर स्क्वायर डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट चाहे छोटा हो बड़ा हो उसका एक्सेलरेशन सेम रहेगा, सेम रहेगा मीन्स यूनिफॉर्म। इसीलिए चाहे वो ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँचा इसका एक्सेलरेशन जो है दैट इज द यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन रिमेंस यूनिफॉर्म। दिस एक्सेलरेशन डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द फॉलिंग ऑब्जेक्ट। तो एक्सेलरेशन कैसा हुआ, यूनिफॉर्म हो गया। अब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो गया तो हम लोग मोशन के चैप्टर से हमको ये मालूम है वी नो द इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट। कौन कौन सा इक्वेशन था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा इक्वेशन था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट। और तीसरा इक्वेशन क्या था, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। अब यही वाला इक्वेशन को अगर हम लोग यही इक्वेशंस को अगर हम फॉलिंग ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ उस केस में लेंगे तो ये इक्वेशन चेंज हो जाएगा क्या, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सप्रेशन की जगह में g। और ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, राइट। और ये वाला इक्वेशन चेंज हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एस। इफ द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड, ये तो फॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए था, ऑब्जेक्ट इज मूविंग टूवर्ड्स द अर्थ, तो ये इक्वेशन निकला। अगर इसी ऑब्जेक्ट को, वो ऑब्जेक्ट नीचे नहीं ऊपर जा रहा है, किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है अवे फ्रॉम द अर्थ, देन वी हैव टू टेक द जी एज अ नेगेटिव। अगर अर्थ की ओर आता है तो हम लोग जी कित क्या लेते हैं, पॉजिटिव, इसीलिए सब पॉजिटिव। तो यही वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा, वी इज इक्वल टू यू माइनस जी टी एंड दैट इक्वेशन चेंजेस टू एस इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर एंड दिस इक्वेशन विल चेंज टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एस। ओके दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस यूज फॉर द न्यूमेरिकल। ओके थैंक यू। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाउएवर दिस इज नॉट इन योर कोर्स, इन क्लास 11 यू विल फाइंड द वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी। द स्मॉल जी इज गोइंग टू वेरी विद द एल्टीट्यूड मीन्स हाइट, डेप्थ, ऑल्सो इट वेरीज विद द शेप ऑफ द प्लैनेट और द अर्थ एंड ऑफ द रोटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, कैसे हम रोटेट हो रहा है उसके लिए। तो यू रिमेंबर दैट एल्टीट्यूड, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट था उसको हम किसी हाइट पर लेके गए एच, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ कितना हो जाएगा, जी एम बाई आर प्लस एच होल स्क्वायर। तो मीन्स यहाँ न्यूमरेटर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो जी एच क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कहाँ की अपेक्षा, अर्थ की अपेक्षा। तो सब तो अर्थ के सरफेस में एक्सेलरेशन ड्यू टू क्या हुआ, मैक्सिमम, यहाँ लेके जा रहे हैं लेस, और डेप्थ में लेके जा रहे हैं इस उसी ऑब्जेक्ट को अगर हम अंदर लेके जा रहे हैं अर्थ के यहाँ ये इंटरेस्टिंग है कि जब हम अंदर लेके गए तो रेडियस तो कम हुआ लेकिन ये अभी हम लोग यहाँ पर क्या हो जाएगा, जी एट द डेप्थ। यहाँ पर हम लोग मास जो लेंगे, द मास विच वी हैव टू टेक इन प्लेस ऑफ एम, ये हम लोग इतना का मास लेंगे, दैट इज योर इफेक्टिव मास। तो ड्यू टू द इफेक्टिव मास, एज द इफेक्टिव मास रिड्यूसेस, इफेक्टिव मास रिड्यूसेस
therefore GD is also less than the other surface of the earth. तो इसका मतलब क्या हुआ, अर्थ के सरफेस पर सबसे ज़्यादा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, यहाँ पर मैक्सिमम होता है जी, और उसका वैल्यू कितना होता है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जाओ तब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो रहा है, ऑब्जेक्ट को अंदर अर्थ के अंदर लेके जा रहे हैं तब भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो रहा है, रोटेशन के चलते भी उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होता है, और शेप ऑफ द अर्थ जो जियोइड है उसके चलते भी वैरी करता है। ओके, थैंक यू।